Good morning, students. Again, welcome to online classes in lockdown period. Lockdown period में कोरोना के कारण जो lockdown period है, इसमें जो online classes हमारी चल रही है, इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है. देखिए student, कल जो हमने secondary cell को discuss किया था, उसमें बहुत सारे students की problem आ रही थी. नितेश वर्मा की problem थी, अनुराधा की problem थी कि सर जो आपने करवाया उस time में हमारा lecture miss हो गया, कुछ network का problem था. तो इसको एक बार फिर से करते हैं. तो आप हेडिंग लिखिए स्टूडेंट सेकेंडरी सेल. ठीक है, डेफिनेशन क्या थी सेकेंडरी सेल की स्टूडेंट? जिस सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज कर सकते हैं तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या हो गया? द सेल विच कैन बी रिचार्ज. हाउ इट कैन बी रिचार्ज? इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट फ्रॉम आउटसाइड. सो द सेल विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट फ्रॉम आउटसाइड एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इज नोन सेकेंडरी सेल. तो सेकेंडरी सेल क्या है स्टूडेंट? जिस सेल को आप रिचार्ज कर सकते हैं वो आपका सेकेंडरी सेल है, रिचार्जेबल है. ये आपके घर में कौन कौन है रिचार्जेबल? आपका जो मोबाइल का बैटरी है ये रिचार्जेबल है, आप रिचार्ज करते हैं इसको. चार्ज नहीं बोलना, मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं होता है. आप बोलते हैं मोबाइल चार्ज, बैटरी को चार्ज कर दो. चार्ज नहीं, रिचार्ज है ये. ठीक है, इट इज रिचार्ज. आपके घर में जो इन्वर्टर है ये भी क्या है? रिचार्जेबल है. और इसके अलावा और बहुत सारे आपके इमरजेंसी जो लाइट्स आती हैं, ट्यूब लाइट्स आती हैं, ये भी क्या होती हैं? रिचार्जेबल होती हैं. ठीक है, तो जिस सेल को आप रिचार्ज कर सकते हैं वो आपका सेकेंडरी सेल है. और रिचार्ज कैसे करते हैं? आप अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे रिचार्ज करते हैं? बाय सप्लाइंग करंट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, चार्जर से आप उसको, चार्जर को आप सॉकेट में लगाते हैं और सॉकेट से करंट आपका इसमें आता है. तो आपने बाहर से करंट देके इसको रिचार्ज किया बाय सप्लाइंग करंट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, यही डिफरेंस है प्राइमरी सेल में और सेकेंडरी सेल में. जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल जो आपके घर में एवरेडी का है, निप्पू का है, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, जबकि जो सेकेंडरी सेल है इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं करंट बाहर से देके. तो अब इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं. फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इसके अंदर वो है इसकी इक्वेशन. इक्वेशन को जरूर लिखना है आपको. ठीक है, इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होती है. ये एक बड़ा सा, ठीक है, चैम्बर, और इस चैम्बर के अंदर हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे. ठीक है, इसमें जो एक इलेक्ट्रोड जो होती है वो आप 2 वोल्ट का करंट देती है. तो जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वोल्ट का बैटरी बन जाएगा. ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं उनके अंदर मोस्टली 12 वोल्ट की बैटरी होती है. जो आपकी स्कूटी है, बाइक है, उसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होती है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर हम फिट करते हैं. थोड़ा सा स्पेस रख लीजिए, यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए. ये इलेक्ट्रोड्स मैंने लगा दी. अब स्टूडेंट ये डिपेंड करता है आप कितनी प्लेट की बैटरी बना रहे हैं. ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आपके घर में इन्वर्टर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 32 प्लेट का भी होता है, 30 प्लेट का भी होता है, 34 प्लेट का भी होता है. तो ये डिपेंड करता है आप कितना हैवी बैटरी बना रहे हैं. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे उतनी हैवी बैटरी हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और जो एक इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट, ये जो एक इलेक्ट्रोड है ये 2 वोल्ट का करंट देता है. तो ये जो 6 इलेक्ट्रोड्स हो गए ये कितना देंगे? 12 वोल्ट. तो आपके घर में जो स्कूटी है या जो बाइक है, 150 सीसी तक का कोई भी अगर आपके पास व्हीकल है उसके लिए सफिशियंट है 12 वोल्ट का बैटरी. ठीक है, देखिए अब आगे. तो स्कूटी जो है 150 की होती है, बाइक्स भी 150 सीसी का इंजन होता है इनके अंदर. बाइक्स में 150 का भी किसी किसी में ही होता है, मोस्टली इनके अंदर बाइक्स के अंदर 100 सीसी का इंजन होता है या फिर 110 सीसी का इंजन, ज़्यादातर यही है. ठीक है, इनमें बड़ी आसानी से लोड इसका उठाते हैं ये. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब
एनोड और कैथोड के बारे में बात कर लेते हैं। एनोड और कैथोड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं एक को मार्क कर देता हूं, ऐसे एक इलेक्ट्रोड को मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ठीक है, ताकि उसको दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट, जो एनोड होता है इसमें ये जो इलेक्ट्रोड है हम लेड का लेते हैं एंड इट एक्ट एस एनोड, ये एनोड का काम करता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये हम लेड डाइऑक्साइड का लेते हैं एंड दिस इलेक्ट्रोड इट एक्ट एस कैथोड, ये कैथोड का काम करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कंसंट्रेटेड नहीं लेना है, डाइल्यूट लेना है 38% बाई मास। तो यहाँ पे अब आप इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए, ये मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, और इलेक्ट्रोलाइट जो आपको लेना है इट इज 38% बाई मास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया डाइल्यूट H2SO4 और ये 38% बाय मास, और जो इसका डेंसिटी आपको लेना है स्टूडेंट्स, इसकी डेंसिटी भी आप याद रखेंगे, इसकी डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml, ठीक है, इतना डेंसिटी इसका होना चाहिए। जो डाइल्यूट H2SO4 आपने लिया है इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, एक बार इसको फिर से देखिए, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक इलेक्ट्रोड आपने लेड का लिया और दूसरा इलेक्ट्रोड आपने लेड डाइऑक्साइड का लिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने डुबो दिया किसमें, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में, ठीक है। लेड जो है एनोड का काम कर रहा है, लेड डाइऑक्साइड कैथोड का काम कर रहा है, और अल्टरनेट पोजिशन पे आपने इसको अरेंज किया है, पहले लेड है फिर लेड डाइऑक्साइड फिर लेड फिर लेड डाइऑक्साइड फिर लेड फिर लेड डाइऑक्साइड, दे आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट फैशन, बोथ लेड एंड लेड डाइऑक्साइड दे आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर में हमने इनको अरेंज किया है, एंड दीज इलेक्ट्रोड्स दे आर इमर्ज्ड इन डाइल्यूट H2SO4 व्हिच इज 38% बाय मास। इनको हमने इमर्ज किया है, डुबो दिया है, किस में डुबो रखा है इन इलेक्ट्रोड्स को हमने, डाइल्यूट H2SO4 में। अब स्टूडेंट सेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सभी एनोड्स को एक साथ जोड़ दीजिए, सभी कैथोड को एक साथ जोड़ दीजिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल ऑल इलेक्ट्रोड्स ऑल एनोड्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर ऑल कैथोड्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर। देखिए कैसे, आपके पास ये एनोड था, आपके पास ये एनोड था और ये एनोड था, इनको मैंने इकट्ठा जोड़ दिया, ये इकट्ठा जोड़ दिया, ठीक है, तीन इलेक्ट्रोड्स को मैंने इकट्ठा जोड़ के एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, ये एनोड, ठीक है। और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव पोल होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आपके घर में जो इन्वर्टर का बैटरी है वो एक्साइड का है या एल्यूमिनियस का है, माइक्रोटेक का, किसी भी कंपनी का होता है, तो उसमें ये इलेक्ट्रोड्स ही बाहर निकले हुए होते हैं। अगर कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अंदर चार इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करके एक सिंगल इलेक्ट्रोड बाहर निकाल दिया, कुछ पाँच को ज्वाइन करती हैं, कुछ दो को कुछ तीन को, अलग अलग सिस्टम होता है, सभी कंपनियों का अलग अलग अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे तीन इलेक्ट्रोड्स को सिंगल इलेक्ट्रोड के रूप में मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ जो ये बाहर इलेक्ट्रोड निकाला इसमें एक इंडिकेटर डाल दिया जाता है, और उस इंडिकेटर से जो रेड रेड आपने देखा होगा अपनी बैटरी में, उस इंडिकेटर से ये पता चलता है कि बैटरी में पानी और डालना है, वाटर डालना है या नहीं डालना है, ठीक है। ये आपका कैथोड था, मैं सभी कैथोड को अभी इकट्ठा जोड़ूंगा, ये आपके पास कैथोड था, ये भी कैथोड था और ये भी कैथोड था, ये लेड डाइऑक्साइड, ये लेड डाइऑक्साइड, ये लेड डाइऑक्साइड, ये कैथोड का काम कर रहे हैं, तो मैंने सभी कैथोड को भी इकट्ठा जोड़ दिया, All the cathode electrodes, they are also connected together. तो ये हमारा कैथोड हो गया, और कैथोड नेगेटिव पोल है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा हो गया। तो इसका एक बार अब हम इसका यूजेज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में,
आपके ऑटोमोबाइल में, बाइक में, स्कूटी में, कार में जो बैटरी है वो यही है, 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और जो दूसरा इसका यूज है, आपके घर में जो इन्वर्टर है, मोबाइल्स हैं, उनमें भी यही बैटरी है, ये इसके यूजेस हो गए। चलिए स्टूडेंट, अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इक्वेशन, ठीक है। केमिस्ट्री डील्स विद इक्वेशन, केमिस्ट्री इक्वेशन से चलती है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, अब हम इसकी एनोड और कैथोड पे क्या इक्वेशन हो रही है, क्या इक्वेशंस हैं इसकी, हम उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। लेड डाइऑक्साइड था, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये PbO2 था और ये कैथोड था। तो जब सेल को आप यूज कर रहे हैं, व्हेन सेल इज इन यूज, दैट इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस, जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, आपके घर में जो इन्वर्टर है जब आप उसको यूज कर रहे हैं, उस समय क्या रिएक्शन होगी, तो आपका हेडिंग होगा व्हेन बैटरी और सेल इज इन यूज, या दूसरा नाम है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस। डिस्चार्जिंग प्रोसेस के टाइम केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, देखिए एनोड पे क्या होगा, सभी स्टूडेंट को पता है, इस चैप्टर में को स्टार्ट करने से पहले कई बार बताया जा चुका है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड किसका था, लेड का, ये लेड लिखिए। अब स्टूडेंट जो लेड की वैलेंसी है, लेड की वैलेंसी दो भी होती है और चार भी होती है, अगर लेड का वैलेंसी दो है तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है, क्यों कर दिया, एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंसी होती है इसलिए दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो एनोड के ऊपर मेरे पास क्या बन गया स्टूडेंट, Pb+2। ये जो Pb+2 है आपने इसको डुबो रखा है, किस में डुबो रखा है आपने, H2SO4 में डुबो रखा है। H2SO4 का जो सल्फेट आयन है ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PbSO4, ठीक है, PbSO4 बना लिया। और जो इस दोनों को इकट्ठा करके लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये केवल इसलिए बताया गया था कि जो Pb है इसका टू वैलेंसी है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो देखिए इसका इकट्ठा करके लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लेड एनोड था, आपने इसको किस में डाल रखा था, H2SO4 में डाल रखा था, H2SO4 का ये सल्फेट आयंस, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PbSO4। और लेड का दो वैलेंसी था, इसने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, अभी अभी देखा था, ये वे दो इलेक्ट्रॉन्स रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी एनोड पे, कब, जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, व्हेन द सेल इज इन यूज और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्जिंग प्रोसेस के टाइम ये रिएक्शन आपकी होगी। चलिए साहब अब कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, दिस इज कैथोड। कैथोड किसका लिया था आपने, लेड डाइऑक्साइड, ये लेड डाइऑक्साइड कैथोड था, जो कैथोड था आपका वो किसका था, कैथोड आपका लेड डाइऑक्साइड का था। और इस कैथोड को भी आपने किसमें इमर्स कर रखा है, डुबो रखा है, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये लेड डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे ये सल्फेट आयन था पहले की तरह, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन, ठीक है। अब स्टूडेंट कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दो इलेक्ट्रॉन का ये गेन करेगा, ये गेन किया, ठीक है, और क्या बनेगा वो देखिए। अब स्टूडेंट ये Pb और ये SO4, PbSO4, Pb का लेड का भी दो वैलेंसी, सल्फेट का भी -2 वैलेंसी है, ठीक है, -2 इस पे। अब Pb बाहर निकल गया, SO बाहर निकल गया, क्या रह गया स्टूडेंट, ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बाहर कैसे निकाले, ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का ये H2 इसको लूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, श्रुति का भी ये क्वेश्चन था, श्रुति डॉटर ऑफ रणधीर ठाकुर, ठीक है, तो श्रुति ठाकुर का भी ये क्वेश्चन था कि सर आप यहां पे H+ क्यों ले रहे हैं, आपने यहां तो नहीं लिया,
ठीक है, यहां पे क्यों नहीं लिया श्रुति, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं थी, PbSO4, Pb और सल्फेट ने मिलकर क्या बना लिया था, PbSO4, यहां पे भी Pb और SO4 ने PbSO4 बना लिया, लेकिन यहां ऑक्सीजन भी है, यहां ऑक्सीजन नहीं थी, और इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का एच भी चाहिए। अब क्वेश्चन है कितने एच लूं, अब स्टूडेंट यहां पे दो ऑक्सीजन है और हम केमिस्ट्री वाले जानते हैं जितना ऑक्सीजन होता है उतना ही वाटर बाहर निकलता है, अगर दो ऑक्सीजन के एटम हैं तो वाटर कितना बाहर निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स, दो ऑक्सीजन हैं तो वाटर भी दो ही बाहर निकलेंगे, यहां 3 ऑक्सीजन होते तो वाटर कितने बाहर होते, 3 बाहर होते। अब 2 ऑक्सीजन है, 2 वाटर बाहर होंगे, आप यहां आंख बंद करके लिख दीजिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 4, तो इसका मतलब ये जो एच लेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड का, ये जो एच लेंगे ये आप कितना लेंगे, 4H लेंगे आप, ठीक है, 4H+। आया समझ में, चलिए साहब अब चार्ज को देख लीजिए बैलेंस है या नहीं है, देखिए ये -2 है, ये -2 है, -4 हो गया, ये +4 हो गया, बैलेंस है चार्ज आपका, बैलेंस है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं, देखिए प्लस करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम प्लस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, जो कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट उसको कैंसिल कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ भी कैंसिल हो सकता है, चलिए देखते हैं, अब ये आपका Pb था प्लस, ये PbO2 था आपका, PbO2, ठीक है, और स्टूडेंट ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, कितना सल्फेट है, 2, ये 2 सल्फेट हो गया आपका, और ये क्या है आपका 4H+, ये 4H+ हो गया, यहां देखिए ये PbSO4 है, ये भी PbSO4, तो 2PbSO4 हो गया, और स्टूडेंट ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ये एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, तो कहीं पे भी आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन जो नीट वगैरह में, जेई वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, व्हेन सेल इज इन यूज, तो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस हो रही है एक, इसके थोड़ी देर बाद हम रिचार्जिंग करेंगे, तो जो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है उस टाइम सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, देखिए जब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है उस समय सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, यहां पे भी वही हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन हुई और यहां पर अब आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर हो जाएगी, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए ये सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब ये सेल अब बिहेव कर रहा है गैल्वेनिक सेल की तरह। अब स्टूडेंट आप लगातार इसको यूज कर रहे हैं, आपके घर में जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी को आप लगातार यूज कर रहे हैं, लगातार यूज करने से क्या होगा, जो कंसर्न जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था 38% बाई मास, इसकी डेंसिटी थी 1.30, तो जब आप इसको यूज करेंगे सेल को, जैसे ये यूज किया मैंने, तो डेंसिटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, और जब डेंसिटी 1.30 से डिक्रीज होके 1.20 ग्राम पर ml रह जाए, then it needs recharging, तो उस समय इसको recharging का आवश्यकता है, तो recharge कब करना पड़ेगा, जब H2SO4 का density 1.30 ग्राम पर ml से ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए, 1.20 ग्राम पर ml इससे नीचे चला जाए, then the battery needs recharging, उस समय बैटरी को recharging करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट रिचार्जिंग हम कैसे करेंगे, रिचार्जिंग मैंने बताया ही था कि आप लोग बोलते हैं मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया चार्ज कर लें, चार्ज नहीं करना, रिचार्ज, रिचार्ज वर्ड यूज करना है, चार्ज नहीं करना, ठीक है, तो रिचार्जिंग में क्या करेंगे, आप जो चार्जर है उसको सॉकेट में लगाया, सॉकेट में लगा के आप चार्जर से इसमें क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्जिंग, मिटा दें अब इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, जल्दी लीजिए,
फिर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये ऊपर का भी मिटा देते हैं। चलिए साहब से तो अब आप हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्जिंग के टाइम कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आप केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्जिंग, हमारा हेडिंग केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रीचार्जिंग के टाइम क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी, देखिए स्टूडेंट जब आप रीचार्जिंग की करेंगे इसका मतलब आप करंट बाहर से दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, चार्जर आपने सॉकेट में लगाया और आप अब बैटरी को बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, और बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो रीचार्जिंग के टाइम अब सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, ठीक है। तो पहले गैल्वेनिक सेल की तरह जब डिस्चार्जिंग हो रहा था गैल्वेनिक सेल था ये, और अब क्या बन जाएगा ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए रिचार्जिंग जब आप करेंगे तो ये सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। जब डिस्चार्जिंग हो रहा था उस समय क्या हो रहा था स्टूडेंट, PbSO4 इट इज फॉर्मड एट एनोड, लेड सल्फेट इट इज फॉर्मड एट कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों पे ही लेड सल्फेट बन रहा था। अब जब आप रिचार्जिंग करेंगे बाहर से करंट देंगे तो ये सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएगा, आप रिवर्स कर दीजिए ये इस डायरेक्शन में, ऐसे रिवर्स हो जाएंगी सारी रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए अब क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड कैथोड बन जाएगा और कैथोड एनोड बन जाएगा, तो एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड पे ये रिएक्शन थे, और रिवर्स कीजिए इसको यूं इस डायरेक्शन में रिवर्स कीजिए तो ये हो जाएगा PbSO4, ये आपका 2H2O और ये हो जाएगा आपका PbO2, ये PbO2 प्लस सल्फेट और दो इलेक्ट्रॉन और प्लस 4H प्लस ये, ठीक है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये कैथोड क्या बन गया, एनोड, तो एनोड पे रिएक्शन रिवर्स कीजिए, ये इस डायरेक्शन में थे अब इस डायरेक्शन में रिवर्स कीजिए, ये PbSO4 PbSO4 प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेगा आपका, Pb बनेगा और SO4 माइनस टू बनेगा, ठीक है। बात अब भी वही है, देखिए कैथोड प्रोडक्शन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप इनको प्लस कर दीजिए, प्लस कर देंगे तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी आ जाएगी, देखिए प्लस कर देते हैं, ये हमने प्लस कर दिया, ये मार्कर चल ही नहीं रहा, फेंक देते हैं इसको, लाइट कर रहा बिल्कुल। तो फिर से देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दीजिए, और कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही है तो उसको भी कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया और PbSO4 टू PbSO4, ठीक है, टू वाटर, और स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ये PbO2 है PbO2 और ये Pb और ये सल्फेट दो सल्फेट आयंस हो गए SO4 2SO4 और ये 4H+, ये 4H+, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 4H+ और ये 2SO4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2SO4 2H2SO4 2 2's are 4, 4H हैं सल्फेट दो हैं, ये सल्फेट दो, कैसे भी लिखिए आप कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो गई डिस्चार्जिंग के टाइम और रिचार्जिंग के टाइम, ये इक्वेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो भी इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये मैंने दोबारा कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, ये एक जनरल टॉपिक है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा जो इन्वर्टर है उसमें एक्साइड वालों ने एल्यूमिनियस वालों ने 2 साल का वारंटी दिया था लेकिन वो पहले ही ख़राब हो गया, सर उसमें हम पानी कौन सा डालें। कुछ स्टूडेंट इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट इसके अंदर जब जो रेन वाटर है बारिश का पानी, बारिश जब आती है उसको स्टोर करते हैं उस पानी को, वो डालते हैं इसके अंदर रेन वाटर,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स वाटर इसके अंदर आपको एसिडुलेटेड वाटर डालना है, कोई भी आपको अपने आप वाटर इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि जो H2SO4 की डेंसिटी थी वो कितनी थी, H2SO4 की डेंसिटी थी जो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया था 1.30 ग्राम पर ml, ठीक है, ये डेंसिटी थी। तो इस डेंसिटी से डेंसिटी अगर नीचे चली जाती है, ठीक है, तब ये रिचार्ज इसमें करनी पड़ती है और आपको वाटर डालना पड़ता है। तो एसिडुलेटेड वाटर डालना है, एसिडुलेटेड वाटर जो इन्वर्टर का दुकान है वहीं से शॉप से आपको लेना है। अपने आप घर में कोई भी पानी मत डालिए, फिर आपका 2 साल का वारंटी है, 3 साल भी ये चलेगा आपका, ठीक है। तो यूजेज हम स्टूडेंट इसके पहले ही कर चुके, ये वर्किंग कंस्ट्रक्शन हो गई, अब ये हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है, ओके।